तो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारे पास एक अमेजन की तरफ से बॉक्स आया है जेवरोनिक का। हमने एस प्लस साउंड बार को ऑर्डर किया था, जो कि पिछली बार ऑर्डर किया था टूटा हुआ निकला था। दोबारा से हमने ऑर्डर किया एक्सचेंज करके, तो फिर देख सकते हैं आ चुका है बॉक्स। ये रहा बॉक्स अमेजन की तरफ से। चलिए इसको खोल कर दिखाते हैं आप लोगों को, अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर क्या क्या है और साउंड टेस्ट करके दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोग परचेस करने का सोच रहे हैं साउंड बार को, तो ज़रूर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मदद करेगा ये वीडियो परचेसिंग करने में, डिसीजन लेने में। तो पूरा तरह वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए दोस्तों। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाक से। तो टेप लगा हुआ है, एक तरफ से टेप है, थोड़ा खुला हुआ सा कोई मैनेज कर लीजिए, हो सकता है। पिछली बार जब लिया तो टूटा हुआ प्रोडक्ट निकला, उसका अनबॉक्सिंग नहीं देखे तो उसका भी अनबॉक्सिंग देख लीजिए। चलिए इसको निकाल देते हैं। एक साइड से तो निकला हुआ है और एक साइड से है, तो चलिए इसको एक हाथ से मैं पकड़ लेता हूँ इसको और इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल देता हूँ डब्बा के अंदर से फटाक से। देख सकते इस बार बॉक्स, देख सकते हो दोस्तों इस बार तो बॉक्स की मतलब बहुत अच्छा तरीके से पैक किया हुआ है। इसको साइड में करते हैं, आगे करते हैं। ये देखिए इसमें ब्रांडिंग किया हुआ है जेवरोनिक एस प्लस, देख सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन वगैरह लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हो दोस्तों। पढ़ लीजिए अगर आप कोई परचेस करना चाहते हैं साउंड बार 2000 रुपये के अंदर, तो इसको परचेस करने के लिए आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है, जेवरोनिक एस प्लस है। तो देखते हैं इसको खोलते हैं दोस्तों। तो ये रहा वो साउंड बार जो कि हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्लिप जैसा दिया है, इसको पहले टेप को उखाड़ना पड़ता है, फिर इसके बाद इसको पीछे खींचना पड़ता है शायद, इसको पीछे खींचने। और इस तरफ भी एक और है, इसको भी हम हटा देते हैं और पीछे कर देते हैं। हो गया दोस्तों, ये देखिए डब्बा, इस तरह से डब्बा खुल गया, देख सकते हो दोस्तों डब्बा खुल गया, बहुत बड़ा है, देख सकते हो। इसीलिए देख सकते हो दोस्तों, ये रहा साउंड बार, काफ़ी बड़ा लग रहा है भाई। देखिए इसके अंदर क्या क्या है, देखिए थर्मोकोल से अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। चलिए इसको निकालते हैं बाहर, इसको बाहर निकालते हैं, इसको साउंड बार भी इधर निकाल कर रखते हैं। और इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर देखिए तो एक रिमोट दिया हुआ है जो दिख रहा, और ये कॉक्स केबल है 3 पॉइंट के लिए, और एक USB-C टाइप चार्जर का पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे साइड में रखते हैं। और रिमोट दिया है, इसके अंदर बैटरी लगाना पड़ेगा हमें, तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये हाँ मेन आइटम साउंड बार, देखिए जेवरोनिक का ब्रांडिंग दिया हुआ, अच्छी तरह से पैक है, थर्मोकोल लगा के पैक किया है जिससे टूटे उटेगा नहीं। इस तरह से यह है कि भाई झटके उठ के लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा है। चलिए साइड में निकाल देते हैं इसको बाहर, पट्टा लगा हुआ है, पट्टा को बाहर कर देते हैं, लोगों को दिखाते हैं। एक हाथ पन्नी के अंदर है, प्रोटीन भी लंबा से प्रोटीन के अंदर पैक किया हुआ अच्छे से। देखिए दोस्तों ये रहा साउंड बार, इसके ऊपर डिटेल वगैरह लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसके ऊपर डिटेल वगैरह लिखा हुआ, बार कोड वगैरह है। और ये देखिए इधर है जेवरोनिक लिखा हुआ है, इधर भी है, पीछे वॉल माउंट के लिए दिया, स्क्रूप साइज नहीं दिया हुआ इसके अंदर वॉल माउंट के लिए। इसको एक बार पीछे से पलट कर दिखा देते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या पोर्ट है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ही ये जो है दोस्तों, ये कॉक्स है, कॉक्स केबल दिया है TV वगैरह के लिए। इसके बाद ये है जो USB-C चार्जिंग के लिए, TF जो है मेमोरी कार्ड लगाने के लिए डायरेक्ट, ये 5 वोल्ट USB-C टाइप चार्जर है। और ये ऑक्स दिया है, और ये ऑन ऑफ का बटन है इसका, इसको ऑन करने से ऑन करने से जेवरोनिक आएगा, ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑफ कर देते फिलहाल। और दिखा देते हैं आपको साइड से ऐसे, तो ये देखिए दोस्तों बहुत मतलब आपके मतलब एक हाथ आपके हाथ से बड़ा होगा, बहुत बड़ा है ये, देखने में छोटा लग रहा बट दोस्तों ये बहुत बड़ा है, आप भी महसूस नहीं कर सकते हैं, देख सकते हो दोस्तों। ऐसे लुक बाय तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं लुक बाय, इसका डिज़ाइन तो बहुत पसंद है। देखिए एक स्पीकर इधर रखा हुआ, और एक रेडिएटर यहाँ पे है, और एक रेडिएटर यहाँ पे है, और एक स्पीकर इस साइड तरफ है, यानी 2 स्पीकर 30-30 वाट के लिखे हुए थे, 15-15 वाट के स्पीकर है। इसका साउंड दिखाते हैं आप लोगों को पहले, तो चलिए साउंड के लिए एक और फ़ोन ले लेते हैं हम, उससे कनेक्ट करते हैं फिर दिखाते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा साउंड है इसके अंदर दोस्तों, बहुत ज़्यादा साउंड है, साउंड
बार को तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा साउंड बार। 2000 रुपये में बहुत अच्छा डील है और बहुत ज़्यादा आउटपुट इसका बहुत भयानक है, बहुत ज़्यादा साउंड करता है, मतलब आपके कमरे में साउंड गूंज उठेगा। इसको आराम से परचेस कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको परचेस कर लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं 2000 रुपये के अंदर कोई साउंड बार। तो मैं बोलूँगा बेस्ट साउंड बार है ये, बेस्ट साउंड बार है एकदम, दिखा दूँ तो भाई ये बेस्ट है एकदम बेस्ट। मुझे अभी तक का सबसे अच्छा साउंड बार यही लगा है जबरोनी का एस प्लस। इसमें LED लाइट वगैरह भी रिफ्लेक्ट होता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऐसे ही मतलब बहुत हल्का है, 1 kg का, 1 kg लगभग होगा वेट इसका। लेकिन आप लोग रिकमेंड करूंगा, आप लोग कोई लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा साउंड बार है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। परचेस करना हो तो लिंक नीचे दिया, वो लिंक से परचेस कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।